हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम्बा ज्ञान। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक जॉब की तलाश कर रहे हैं, या फिर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और आप एक जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी योजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका मेन मकसद है स्टूडेंट्स की स्किल को बढ़ा के उन्हें एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करवाना। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत आपको किसी भी कोर्स को करने के लिए किसी भी तरीके की कोई फी देने की जरूरत नहीं है, और इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग के दौरान रहने, खाने और ड्रेस से लेके किताबों तक हर एक चीज मुहैया करवाई जाएगी। तो आज मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सारी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप इसमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं और एक कोर्स को सिलेक्ट करके ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप एक अच्छी नौकरी पा सके। वीडियो के मेन हिस्से को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ऑनलाइन अर्निंग और टेक्निकल जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जैसे ही मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं इस वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको फैसिलिटीज के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है बेनिफिट्स और एंटरटेनमेंट टू कैंडिडेट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सारे बेनिफिट्स की लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कम्प्लीटली फ्री स्किल ट्रेनिंग एट ट्रेनिंग सेंटर, देयर आर नो फी, देयर आर नो रजिस्ट्रेशन चार्ज, देयर आर नो एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन चार्ज, देयर आर नो प्लेसमेंट चार्ज। मतलब कि आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा, आपको एक बैंक अकाउंट मिलेगा आपके नाम का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली फ्री फूड एंड एकोमोडेशन इन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब कि आपका जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें आपको कम्प्लीटली फ्री फूड और रहने की सुविधा दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री यूनिफॉर्म, बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल, यूनिफॉर्म से लेके और सारे लर्निंग मटेरियल्स आपको फ्री में मिलेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एनसीबीटी और एसएससी के थ्रू एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जॉब इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी एट नो कॉस्ट। मतलब कि आपको जॉब के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कम से कम 6,000 रुपये पर मंथ की सैलरी की जॉब जरूर दिलवाई जाएगी। चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, You could place be in foreign job with a minimum salary $500 per month। इस योजना के तहत आपको विदेश में भी नौकरी करने का मौका मिल सकता है। मिनिमम सैलरी जो आपकी रहेगी, अगर आपकी विदेश में नौकरी लगती है, तो 30,000 रुपए पर मंथ रहेगी। चलिए मैं बताता हूँ कि कौन कौन इलिजिबल है इस कोर्स को करने के लिए। तो इफ यू आर बिटवीन 15 and 35 years ऑफ एज एंड हैव द कमिटेड एंड डिसिप्लिन टू वर्क हार्ड एंड चेंज योर लाइफ, यू आर वेलकम। मतलब कि अगर आपकी एज 15 से 35 साल के बीच में है, तो आप इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, मैं सारा पढ़ के नहीं बता सकता आपको, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहली बात कि आपकी एज 15 से 35 साल की होनी चाहिए। कुछ कोर्सेज में महिलाओं के लिए 35 साल से ऊपर के लिए भी छूट दी गई है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 क्लास भी है, तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि DDU के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। चार तरीके हैं अप्लाई करने के। तो सबसे इजी जो तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड अ नियर बाई ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉन्टेक्ट डायरेक्टली। मतलब कि आप जिस भी लोकेशन में आइए, मैं आपको बता दूं ये पूरे इंडिया में इसके ब्रांचेस हैं, तो आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं, उस लोकेशन के नियरेस्ट ब्रांच का कॉन्टेक्ट नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल करके पूरी जानकारी ले लें कि कैसे आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे क्वालिफिकेशन के, और एक आईडी ले जाना होगा सेंटर पे, और वहां पे जाके आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, अगर आप इलिजिबल हुए तो। चौथा तरीका है कि आपको रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन, और उसके बाद आपको अपने
हिसाब से अप्लाई करना होगा। तो ये जो तरीका है ये थोड़ा लेंदी है, मैं आप प्रेफर करूंगा कि आप डायरेक्टली ट्रेनिंग सेंटर पे कॉल करके बात कर ले और डायरेक्टली वहां जाके ही एडमिशन करवाए। और बात रही इस तरीके की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलिए आपको बताता हूँ कोर्सेज और सेंटर्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, डाटा एंट्री, फार्मास, नर्सिंग, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो इसके अंतर्गत करवाए जाते हैं। तो सबको बताना अभी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आप कोर्सेज और ब्रांचेस का लोकेशन सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्रांचेस और कोर्सेज की जानकारी के लिए मैं आपको एक नया लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेज पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, मैंने जैसा बताया ये पूरे इंडिया में हर एक जगह पे है, तो आप अपने करंट लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे आके अपना ट्रेनिंग सेंटर फाइंड कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट में जाना होगा, अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, आपको चूज कर लेना है उनमें से कोई एक। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्टर सिलेक्ट करना है, आप किस सेक्टर से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, ब्यूटी, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके अंतर्गत, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से सेक्टर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सेक्टर के हिसाब से ट्रेड नेम आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप किस ट्रेड से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं। ये सारी चीजें फिल करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे उस लोकेशन में जितने भी ब्रांचेज होंगे और जिस कोर्स को आपने सिलेक्ट किया होगा उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी और उनका मोबाइल नंबर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अभी आंध्र प्रदेश का ऊपर में दिखा रहा है ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम भी दिया हुआ है। तो उसी तरीके से आप जहाँ के लिए सर्च करेंगे सेम ऐसा ही पेज खुलेगा, उसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दिया होगा, आप डायरेक्टली कॉल करके उनसे बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी इस कोर्स के रिगार्डिंग। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपके हर एक सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर लाइक करना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है और मुझे ऐसी वीडियोस और भी बनानी चाहिए। और इसको आप शेयर जरूर करें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।